हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं फ्रेंड्स कैप्टन अमेरिका का ये वाला फोटो। इस फोटो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और जो मैं आउटलाइन अभी ड्रॉ करने वाला हूँ उस फोटो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो वहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा फ्रेंड और ग्रिड मेथड का यूज़ करूंगा और 2 सेंटीमीटर के ग्रिड मेथड का यूज़ करूंगा। तो ग्रिड बनाना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप उसे इजीली ड्रॉ कर लेंगे, तो वो पार्ट मैं स्किप करता हूं। बाकी ग्रिड के बाद किस तरीके से परफेक्ट आउटलाइन बनाना है उस पर हम आज फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो मैं इसे ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट नाम के ऐप पर मैंने इस फोटो को ले आया। आपको ये क्रॉप किया हुआ मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले लाके क्या करना है, आपको यहाँ पर ग्रिड अप्लाई करना है। तो शो ग्रिड पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ग्रिड आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या करना है, 20 mm पे करना है। इसमें mm पर लिखा था तो 20 mm रखना है, मतलब 2 सेंटीमीटर का ग्रिड अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस जो कि ग्रिड है वो ग्रीन कलर का है, तो काफ़ी क्लीन नहीं दिख रहा। तो मैं इसे ग्रीन का कलर को हटा के यहाँ व्हाइट कलर चूज़ कर लेता हूँ। और अब देखिए गाइस यहाँ पे ग्रिड प्रॉपर अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आपका रेफरेंस फोटो जिस तरीके का है उसके अकॉर्डिंग। और अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर चेक करना है आई को कि आई हमारा एग्जैक्ट कौन से बॉक्स पे आ रहा है। तो हम जैसे यहाँ पर ऊपर जो सो लेबल लिखा हुआ है उस पर हम जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर हमारा नंबरिंग दिखाएगा कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके का बॉक्स है, ऐसा करके नंबरिंग दिखाएगा। सो आपको बस चेक करना है कि कहाँ पे आएगा। तो यहाँ से 5th नंबर के 5th से नीचे की ओर जाएंगे तो 5th नंबर के ही बॉक्स पर हमारा आई आ रहा है। जो चीज़ हमने यहाँ पर देखा सेम ग्रेड हम पेपर पे बनाए हैं, अब एग्जैक्ट हम वहीं पर मार्क कर लेते हैं कि कौन सा हमारा बॉक्स है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो 5th नंबर की लेफ्ट टू राइट, 5th अप टू डाउन 5th पे जाना है और एग्जैक्ट हम हमारा यहाँ पर जो आई है वो आएगा। सो हम यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और मैं थोड़ा वीडियो जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए कि किस तरीके से मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आई ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो आई ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आई के शेप को पहले फॉलो करना है और एग्जैक्ट देखना है कि बॉक्स पर आ रहा है, लेकिन हाँ लेकिन बॉक्स के किस हिस्से पर आ रहा है आपको वो देखना है और एग्जैक्ट वहाँ पे ड्रॉ करना है। आप मेरे आउटलाइन को देखना कि मैं बॉक्स के किस हिस्से पर उसे ड्रॉ कर रहा हूँ और एग्जैक्ट वहीं ड्रॉ करना। सो आपको ये चीज़ करना है। सो गाइस एक चीज़ तो है कि अगर आप ड्राइंग करते हुए देखेंगे कि हाँ इस तरीके से बनाते हैं तो आप डेफिनेटली वो ड्रॉ करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखना कि किस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ। बाकी बीच बीच में अभी मैं कुछ कुछ टिप्स बताऊँगा जो कि आपके ड्राइंग को इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी जो मैं आउटलाइन बना रहा हूँ गाइस वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं ज़्यादा डिटेल्स पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे बेसिक ज़रूरत है आउटलाइन की सिर्फ मैं उसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आप ध्यान से देखना किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ग्रिड मेथड में बनाने का एक प्रॉपर्टी यह है कि आप किधर से भी किधर के लाइन को मतलब उस साइड के एरिया को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे फ्री हैंड में स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, आई नोज लिप्स इस तरीके से क्या, या फिर फेस स्ट्रक्चर इस तरीके से स्टार्ट करना रहता है, लेकिन ग्रिड में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी तो मैं सिंपल जो बेसिक इसका आउटलाइन है वो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ और धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मैं फ्री हैंड आउटलाइन ट्यूटोरियल भी लाऊंगा कि जैसे इस तरीके से फेस तो हल्का सा टिल्ट है और जो एक्सप्रेशन है जिस तरीके से है इन सब चीज़ों को कैसे बनाना है, तो उस पर मैं फ्री हैंड ट्यूटोरियल भी लाऊंगा। बाकी आप अभी देखिए किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, अब आई नो कि आप इसे देख के अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और अच्छे से ड्रॉ भी कर लेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना और जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। और बहुत जल्द मैं Q&A वीडियो भी लाने वाला हूँ तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो प्रॉब्लम होती है ड्राइंग में या फिर जैसा भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो। सो अभी बिल्कुल ध्यान से देखना कि किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं लेकिन जितना ज़रूरी है यहाँ पर आउटलाइन पर वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। सो अभी जो फेस का जो ऊपर का मास्क है इनका मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। सो बिल्कुल आराम से इसी तरीके से ड्रॉ करना है। और देखिए गाइस अभी जैसे आपने मोबाइल में देखा कि मैं किस तरीके से रेफरेंस फोटो को जूम आउट जूम इन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस उसे मूव करते जा रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग कि मैं जो जो पार्ट बनाते जा रहा हूँ। अभी ये वाला पार्ट बनाया तो उस साइड मूव कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आपको भी करना है और इसी तरीके से करते बार बार जूम आउट जूम इन करने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके से मूव कर करके बना सकते हैं। और अभी मैं जो मास्क पर ए लिखा हुआ है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी इसका जो डिटेलिंग पार्ट है मैं हम शेडिंग पार्ट में बहुत अच्छे से करेंगे तो वो चीज़ आप जरूर देखना। और ये हमारा ए कंप्लीट हो गया है
और अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे शेड कर लेना चाहिए हल्का सा स्ट्रोक, मतलब उस तरीके से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे डार्क एरिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप आउटलाइन पे फोकस करें, मतलब आउटलाइन के बेस पर एरिया आपको थोड़ा लगता है कि यहाँ पे डार्क पॉइंट कर लेना चाहिए ताकि मुझे आउटलाइन प्रॉपर समझ आए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं वो चीज़। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो स्ट्रैप हो गया कुछ कुछ डिटेल काफ़ी ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ ड्रॉ करना इसे। और नोज़ देखिए किस शेप का है, और जितना पार्ट ज़रूरी है नोज़ का हम यहाँ पर ड्रॉ करते जाते हैं। सो बिल्कुल ध्यान से देखना गाइस। अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो आप यूट्यूब का जो ये एप्लीकेशन है उस पर आप ऑप्शन क्लिक करके थोड़ा वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी ट्राई करना कि अगर आपको फास्ट लगे तो थोड़ा आप स्लो और कर लेना। सो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ करते जा रहा हूँ। एक एक स्टेप ध्यान से देखना, एक एक ग्रिड लाइन को फॉलो करते हुए देखना। ओके, अभी फेस कंप्लीट करने के बाद गाइस जो ड्रेस वाला पार्ट है मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ आउटलाइन में, मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी से ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे जो दिख रहा है इस तरीके से मैं स्ट्रोक लगाते जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप आउटलाइन में अपना टाइम बचा सकते हैं। काफ़ी सारे स्केच आर्टिस्ट होते हैं जो कि आउटलाइन पर ज़्यादा फोकस ना करके मतलब जल्दी जल्दी क्विक आउटलाइन करते हैं और उस आउटलाइन को कंप्लीट करते हैं, उसका मेन काम करते हैं शेडिंग पे। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी से यहाँ पर जो भी क्लॉथ का पार्ट है, जो भी ड्रेस का पार्ट है वो बनाते जा रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरीके का लाइन है, बाकी हम शेडिंग पार्ट में उसे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो अभी गाइस हम हैमर बनाएंगे। सो हैमर के लिए आप चाहे तो स्केल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करना कि आप हाथ से ही आराम से आउटलाइन मतलब सही लाइन बनाएं, बाकी शेड करते समय भी प्रॉपर और जो शेप रहता है वो परफेक्ट कर सकते हैं। तो आप हैमर देखिए किस तरीके से है, कहाँ पे लाइट है कहाँ पे डार्क है। और एक चीज़, हाँ, अगर आप ये हैमर बनाते हैं और परफेक्ट शेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो शेडिंग है वो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि जो हैमर है वो एक
प्रॉपर शेप है, जो कि मतलब स्केचिंग में स्टार्टिंग में इस तरीके के शेप को शेड करते हैं। तो इस तरीके का आप ये भी ड्रॉ करेंगे तो आपको मतलब जो शेड किस तरीके से करना है लाइट टू डार्क, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है अगर आप इस तरीके का चीज़ ड्रॉ करें। तो हैमर को आप ज़रूर ड्रॉ करना जैसे रेफरेंस फोटो पर नज़र आ रहा है, और शेडिंग में मैं बताऊँगा कि काफ़ी चीज़ों को किस तरीके से ड्रॉ करना है, लाइट टू डार्क किस तरीके से शेड करना है। सो ये काफ़ी सिंपल सा है हमारे, जिसको मैंने इजीली ड्रॉ कर लिया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करना गाइस। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।